दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, एक वो जो समय की कीमत को समझते हुए हर काम को आज और अभी खत्म करने के लिए प्रयास करते रहते हैं, और दूसरे वो जिन्हें लगता है कि अभी तो बहुत समय बचा है तो अभी से क्यों मेहनत करनी। अब UPSC की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स भी इन्हीं दो कैटेगरी से आते हैं। यदि आप भी यही सोचते हैं कि 2024 के लिए तो अभी बहुत समय बचा है तो अभी से ही क्यों चिंता करनी है, तो संभल जाइए क्योंकि ये UPSC है जनाब, यहाँ कब एक साल निकल जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। नमस्कार, स्वागत है आपको प्रभात एग्जाम्स के यूट्यूब चैनल पर। एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ आपको मिलती है सभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियाँ जो आपको किसी भी एग्जाम में सफल होने में काफी मदद कर सकती है। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमें लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें, और हमारे लेटेस्ट वीडियोस और अपडेट्स सबसे पहले आप तक पहुंचे इसके लिए बेल आइकन को प्रेस करना भी ना भूले। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की वीडियो की, जो है 2024 के लिए अभी से तैयारी शुरू करनी चाहिए। किसी भी परीक्षा में सफल होने के लिए सबसे जरूरी है उसके सिलेबस और पैटर्न को समझना, और जब बात UPSC की हो तो बिना इसके पैटर्न और सिलेबस को समझे यदि आप तैयारी करने बैठेंगे तो कुछ ही समय बाद ऐसे भंवर में फंस जाएंगे जहां आपको कोई रास्ता नजर ही नहीं आएगा। इसीलिए सबसे पहले सिविल सेवा परीक्षा के पैटर्न और सिलेबस को अच्छी तरह से समझ लें, और हर टॉपिक को पढ़ते समय सिलेबस को जरूर रेफर करें। UPSC का सिलेबस आप इसके आधिकारिक वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं और फिर इसका प्रिंटआउट निकाल कर रख सकते हैं। अब बात करते हैं शुरुआत करने की। आपका एकेडमिक बैकग्राउंड क्या है इससे किसी को फर्क नहीं पड़ता, फर्क इस बात से पड़ता है कि आप इस परीक्षा के लिए जरूरी कॉन्सेप्ट्स को कितनी बारीकी से समझ पाते हैं। याद रखिए कि UPSC की सफलता की इमारत तभी खड़ी हो पाएगी यदि आप नींव का निर्माण मजबूती से करेंगे, और अपनी नींव को मजबूत करने के लिए NCERT का कोई विकल्प नहीं है। आज के सब्जेक्ट्स के आपको अपनी शुरुआत NCERT की क्लास 6th और 12th तक, और साइंस के लिए क्लास 6th और 8th तक की किताबों से करनी चाहिए। आप NCERT की किताब जितनी बार पढ़ेंगे आपके फंडामेंटल्स को उतना ही मजबूत बनाएगा, और आप एग्जाम में कई डायरेक्ट सवालों के भी जवाब आसानी से दे पाएंगे। किसी भी रेफरेंस बुक की ओर तभी जाएं जब आपने NCERT को अच्छी तरह से पढ़ लिया हो। यदि आपको लगता है कि आपको NCERT और रेफरेंस बुक्स दोनों पढ़ने का समय नहीं मिल पाएगा तो कोई बात नहीं, आप सिर्फ NCERT पढ़कर भी परीक्षा में अच्छा स्कोर कर सकते हैं। सिविल सेवा परीक्षा का एक दूसरा पहलू है समसामयिकी, यानी कि करंट अफेयर से जुड़े हुए सवाल। आजकल भूगोल, राज्य व्यवस्था, अर्थशास्त्र, पर्यावरण जैसे विषयों के सवाल भी करंट अफेयर्स के साथ जोड़कर ही बनाए जाते हैं। यदि आप सीधे करंट अफेयर्स पढ़ने की कोशिश करेंगे तो शायद आपके पास रटने के अलावा कोई विकल्प नहीं होगा, लेकिन यदि आपके बेसिक्स क्लियर होंगे तो आप आसानी से इन इवेंट्स को समझ भी पाएंगे और परीक्षा में सवालों के जवाब भी दे सकेंगे। इसके अलावा जब आपके बेसिक्स क्लियर हों तो किसी भी इवेंट के बारे में सिर्फ इंफॉर्मेशन गैदरिंग के दृष्टिकोण से पढ़ना ठीक नहीं होगा, बेहतर होगा कि आप हर इवेंट के पीछे के कारणों को समझें और उसके बारे में अपनी राय भी बनाएं। UPSC में सामान्यतः नवीनतम घटनाओं की जगह विशेषकृति घटनाओं से जुड़े सवाल थोड़े गहराई से पूछे जाते हैं। इसमें आपसे सरकार की नीतियों और नए अधिनियमों के संबंध में गहरी समझ की उपेक्षा की जाती है, अतः आपको साल भर की घटनाओं पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। इसके लिए एक डायरी में नोट्स तैयार करते रहें और समय समय पर उनका रिविजन भी करते रहें। प्रीलिम्स का दूसरा हिस्सा यानी कि CSAT कुछ लोगों के लिए थोड़ा ट्रिकी हो सकता है। CSAT की तैयारी के लिए सभी उम्मीदवारों की अप्रोच एक सी नहीं होती है। कुछ उम्मीदवार जिनकी पृष्ठभूमि गणित एवं विज्ञान विषयों की है उनके लिए 2 घंटे में गणित एवं रीजनिंग खंड को मिलाकर 27 प्रश्न हल कर लेना कहीं कठिन कार्य नहीं है, जबकि ह्यूमैनिटी बैकग्राउंड वाले विद्यार्थियों के लिए तो कई बार ये आंकड़ा पार करना भी कठिन हो जाता है। लेकिन फिर भी आपको इस भाग के लिए पूरे साल तैयारी करने की जरूरत नहीं है, इसकी तैयारी आप परीक्षा से 2 महीने पहले भी शुरू कर सकते हैं। यदि आपको इस पेपर में दिक्कत होती है तो आपको सिर्फ ये कोशिश करनी चाहिए कि आप इस पेपर में 35 सवाल सही सही हल कर लें, और ये सवाल आप कॉम्प्रिहेंशन, गणित या रीजनिंग किसी भी सेक्शन से बना सकते हैं। प्रीलिम्स परीक्षा से 2 महीने पहले आपको मॉक टेस्ट आधारित लर्निंग अप्रोच को शामिल करना होगा। ये आपको एक परीक्षा का एहसास देगा, उसी समय रियल परीक्षा जैसे मॉक टेस्ट के लिए बैठें और फिर अपने प्रदर्शन का विश्लेषण करें। इससे आप अपने आप को परख सकते हैं, कहीं गलती हो रही है कहाँ नहीं। ये न केवल आपको वास्तविक परीक्षा के दौरान टाइम मैनेजमेंट में मदद करेगा बल्कि आपको परीक्षा के लिए मानसिक रूप से भी तैयार करेगा।
अंत में सबसे जरूरी बात, अपनी तैयारी के दौरान कभी निराशा और हताशा को अपने ऊपर हावी ना होने दें। इससे ना सिर्फ आपकी आत्मविश्वास कम होगा बल्कि आपकी क्षमता को भी नुकसान होगा। जब ये आपको ऐसा लगे कि आपका फ्रस्ट्रेशन बढ़ रहा है तो थोड़ा ब्रेक लें, दोस्तों के साथ रिलैक्स करें और दिमाग को आराम देने के बाद फिर से अपनी तैयारी में जुट जाएं। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आया तो इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, और अगर आपके पास हमारे लिए कोई भी सवाल है तो इसे कमेंट सेक्शन में लिख के हमें जरूर बताएं। जल्दी आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए टॉपिक पर एक नए वीडियो के साथ। देखते रहिए प्रभात एग्जाम्स। नमस्कार।